रिपोर्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए इस वक्त खबर जो है वो अररिया से। जी हां, बिहार के अररिया से सटे नेपाल बॉर्डर के घूरना मानिकपुर और सोनापुर गांव में नेपाल से भटक करके आए सफेद हाथी ने कोहरा मचा दिया। ग्रामीणों के मुताबिक जंगल से भटक कर आए हाथी ने न सिर्फ लोगों पर हमला किया बल्कि कई लोगों की गाड़ियां, खेत और घर भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी के हमले में कई लोग घायल हुए। फुलकाहा थाना प्रभारी हरेश तिवारी ने बताया कि अमरोरी गांव में एक बालक हाथी की चपेट में आ गया। एक लड़का जो था वो हाथी की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत तक हो गई, जबकि अन्य लोगों को घायल होने की खबर है। हाथी के आतंक से गांव के लोग काफी डरे हुए थे। हाथी ने आधे दर्जन घर, एक ट्रैक्टर और थ्रेसर को क्षतिग्रस्त कर दिया। फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र फुलकाहा के मानिकपुर पंचायत में गुरुवार को सीमा सड़क के पास जंगल में एक हाथी देखा गया। इसके बाद इस जंगली हाथी को देखने के लिए ग्रामीणों की जो भीड़ थी वो उमड़ पड़ी। इधर ग्रामीणों ने इसकी सूचना फुलकाहा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को दिया। सूचना मिलते ही फुलकाहा थाना अध्यक्ष हरेश तिवारी और SSB 56वीं कैंप प्रभारी SI दुर्गेश पांडे दलबल सहित मौके पर पहुंच करके ग्रामीणों की भीड़ हटाई। इसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट विभाग, बतनाहा और अररिया को हाथी की मौजूदगी की सूचना दी। सूचना पर जिले के फॉरेस्ट पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके जायजा लिया, साथ ही लोगों को भीड़ लगाने से मना किया। गुरुवार देर शाम तक हाथी बतनाहा सोनापुर गांव में जा घुसा, जहां हाथी की चपेट में आने से अमरोरी गांव के एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं कई लोगों के जख्मी होने की भी सूचना मिली। मौके पर उपस्थित कुछ ग्रामीणों ने बताया कि हाथी नेपाल के वन से भटक करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, जो नेपाल के रास्ते घूरना होते हुए मानिकपुर पंचायत में पहुंचा है। वहीं फॉरेस्ट विभाग के अनुसार अंधेरा होने के बाद आग का लुक्का और बंदूक की आवाज से हाथी को निकालने की कोशिश जो वो की गई। समाचार जब तक, आपको बता दें कि SSB पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीम हाथी को काबू में करने और उसे गांव के बाहर ले जाने की कोशिश में कल शाम तक, गुरुवार की शाम तक लगे हुए थे। फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।